अरे कमाल किधर की चल रही है मेरे भाई। अच्छा सुन, मेरी माँ भी मुझे जरा देख रही है, उसे कुछ बात करनी है। मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? चल बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। हाँ जी बताओ। जी वो सामान खत्म हो गया था, लिस्ट बनाई थी, ला देते तो अच्छा होता। अजी ला देंगे सामान भी, हम कहाँ भागे जा रहे हो, लिस्ट भी कहाँ भागी जा रही है। तुम तो एक काम करो, तुम आज चटनी बनाओ, चटनी के साथ में रोटी खाएंगे, वो भी कैंडल लाइट जला के। अजी कैंडल लाइट डिनर, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। रोमांटिक क्या, अरे इन्वर्टर बैठने वाला है, आज सुबह से लाइट तो आ नहीं रही है, तो इन्वर्टर तो बैठे ही गई ना, तो वैसे भी शाम होते होते मोमबत्ती तो जलनी है, तो मोमबत्ती जलेगी तो रोटी के साथ में कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा वो हमारा। मिडिल क्लास होना भी किसी वरदान से कम नहीं है, कोई ना कोई आफत लगी रहती है, कभी बोरियत नहीं होती। हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी थोड़ी हटके होती है, क्योंकि ना ही तो हम गांधी परिवार में आते हैं और ना ही हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं। मिडिल क्लास होने के भी अपने ही फायदे हैं, चाहे ओडी के भाव बढ़ जाएं, या फिर बीएमडब्ल्यू हो या फिर आईफोन, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो अपने सर के झड़ते हुए बालों को रोकने में और अपने बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही निकल जाती है। अच्छा सुनो, वो दूध फट गया था, उसका क्या करना है? मतलब तुम आज हमें पनीर की सब्जी खिलाने वाली हो? वो फिर रात की सब्जी का क्या होगा? अरे एक काम करो, रात की जो सब्जी है ना, उसमें अभी जो ताजा पनीर बनाओगे, उसमें से थोड़ा सा डाल के मिक्स वेज बना देना, मजा आ जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा। अच्छा सुनो, वो थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, तो कोल्ड ड्रिंक ले आना। लो, अरे तुम जानती नहीं हो हम लोगों के यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कब आती है? अरे जब या तो कोई रिश्तेदार आता है और या फिर कोई फंक्शन होता है तब। अभी तो नींबू पानी बना के कान चलाओ। वो अच्छा, रिश्तेदारों से याद आया कि गेट टुगेदर कर लेते हैं। अरे गेट टुगेदर है ना महीने के एंड में, अपने यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा है, तो सभी रिश्तेदार आएंगे, गेट टुगेदर भी हो जाएगा। चलो इसी बहाने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी मंगा देंगे, पी लेना मजे से। वो महीना पूरा होने आया है, मैं अपनी गुल्लक को हाथ नहीं लगाने दूंगी, सब कुछ अपने हिसाब से करना। अरे इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले हम तुम्हें अपने शहर के सबसे टॉप क्लास रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाएंगे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। खाना और किस्त कौन भरेगा? हाँ वैसे कमाल है ना, वैसे हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी किस्त भरने में ही निकल जाती है। कभी फोन की किस्त है तो कभी वॉशिंग मशीन की किस्त है, तो कभी फ्रिज की किस्त है, तो कभी जो सोफा लिया है उसकी किस्त है, और अभी जो बाइक की किस्त भी तो चल रही है ना। सारी मुसीबतें हम मिडिल क्लास वालों को ही उठानी पड़ती हैं, बस परिस्थितियों से लड़ते रहो और किस्तें भरते रहो। हम मिडिल क्लास वालों को तो सरकार भी याद नहीं करती। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, सरकार तो हमें याद करती है ना। अरे जब उन्हें वोट लेनी होती है तब, और जब टैक्स लेना होता है तब, तो सरकार तो हमें याद करती है। हम मिडिल क्लास वाले किसी को खुलकर अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तो हम नाम कमाने में लगा देते हैं और दूसरा इज्जत बचाने में। और अपने आत्मसम्मान के खातिर हम किसी से मदद मांगने में भी शर्माते हैं, क्योंकि ना ही तो हम अमीरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं, और खुलकर अपना दुख हम किसी से बता भी नहीं सकते। हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी भी धोबी के कुत्ते की तरह है, ना घर के ना घाट के। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है कि पढ़ लो लिख लो तो एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तो ये जो सुख और दुख के बीच का जो नरक है वो खत्म हो जाएगा। पर खत्म कहाँ होता है? कुल मिलाकर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जीवन जीने पे मजबूर है, हम सारा जीवन समझौतों में ही काट देते हैं। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात है कि तुमने मेरा साथ दिया है। अच्छा एक काम करो, नींबू तो लेके आ जाओ, कम से कम नींबू पानी ही पी लेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए तुम एक काम करो, एक कप अदरक वाली चाय पिला दो, ठीक है? जाओ बना के लेके आओ। आंखों में सपने और चाहत उड़ान की, टूटे हैं पंख पर किसी से कह नहीं सकते, कौन वाकिफ नहीं हमारे हालातों से, जीना मुश्किल है पर मर नहीं सकते, हर मोड़ पर हम गिरते हैं धड़ाम से, बिखरे हैं बहुत पर बह नहीं सकते। आंखों में सपने और चाहत उड़ान की, टूटे हैं पंख पर किसी से कह नहीं सकते।